हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही कुंडली रखी हो तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण लगता था, है ना। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ये मैंने आप लोगों को करवाया था पिछले टर्न पर, और इसका सूत्र हमारा जो आया था सिद्ध करके, वो सूत्र हमारा आया था बेटा टाऊ बराबर NIAB साइन थीटा। क्या आया था हमारा? हाँ, टाऊ बराबर NIAB साइन थीटा। वहां पर थीटा कोण जो था वो किस किस के बीच का था? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण था, ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छी बात है, क्षेत्रफल सदिश पर थोड़ा सा डिस्कशन पिछले टर्न पे मैंने किया था। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। जैसे मान के चलिए ये मोबाइल है, इसका ये जो क्षेत्रफल है ये वाला है ना, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा लंबवत दिशा में, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा। बोलो भैया, इधर वाले का कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है सभी को? यानी ये बात मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पे बताई थी कि किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। जितनी भी रामायण मैंने आपको बोली आप लोगों को क्लियर है क्या भैया? बढ़ जाऊं आगे? बोलो, सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है भैया, आगे की बात करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये सब मैंने पढ़ा दिया था, इसके बाद मैंने आपको धारा मापी बताया था और धारा मापी के प्रकार भी बताए थे। फिर मैंने बताया था कि धारा मापी भैया दो प्रकार का होता है, एक चल कुंडल धारा मापी और एक चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी वे धारा मापी होते हैं जिनमें कुंडली चलती है और चुंबक स्थिर रहती है ना। और चल चुंबक धारा मापी में कौन चलता है? चुंबक चलती है और कुंडली स्थिर रहती है। चल चुंबक धारा मापी हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना, आज से कईयों सालों पहले हटा दिए गए हैं। लेकिन चल कुंडल धारा मापी हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में। क्लियर? चल कुंडल धारा मापी की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि चल कुंडल धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निलंबित कुंडल धारा मापी और एक होता है किलकित कुंडल धारा मापी। क्लियर? किलकित कुंडल धारा मापी को हम लोग वेस्टर्न धारा मापी के नाम से भी जानते हैं। कौन से धारा मापी के नाम से जानते हैं? वेस्टर्न धारा मापी के नाम से भी, है ना। किलकित कुंडल धारा मापी को हम लोग वेस्टर्न धारा मापी के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दूं, सबसे पहले आया निलंबित कुंडल धारा मापी। आपके सामने अगला क्वेश्चन नोट्सों में जो दिखाई दे रहा होगा वो निलंबित कुंडल धारा मापी दे रहा होगा। क्लियर? सबसे पहले आया निलंबित कुंडल धारा मापी, लेकिन निलंबित कुंडल धारा मापी में भी कुछ एक दोष थे, तो उन दोष को दूर करने के लिए अगला धारा मापी जो आया वो किलकित कुंडल धारा मापी है ना। हम लोग सबसे पहले किलकित कुंडल धारा मापी पढ़ेंगे, फिर निलंबित कुंडल धारा मापी पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है आपके? कल मैंने जो धारा मापी के प्रकार पढ़ाए थे उसके बाद निलंबित कुंडल धारा मापी दिया है, निलंबित कुंडल धारा मापी को बाद में कराऊंगा, उसके बाद किलकित कुंडल धारा मापी है ना। क्लियर? तो मैं एक ही शॉट में पूरा आज 30 से 40 मिनट का लेक्चर केवल सुनेंगे आप मुझे। क्लियर? ओके, क्योंकि आज धारा मापी हमारे ये दोनों निबट पाएंगे। अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो आपको पूरा ध्यान बोर्ड पर देना होगा। क्लियर? तो तैयार हैं हम सब लोग? तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप लोगों को जो समझा रहा हूँ वो है हमारा किलकित कुंडल धारा मापी। कौन सा धारा मापी? किलकित कुंडल धारा मापी। ऐसा ना लग रहा कछुए कीलते जड़द होए, किलकित है ना। क्लियर? चलो, का जड़द होए का नहीं जड़द होए अवाल पतो पच जागी हैं। चलो, तो किलकित कुंडल धारा मापी की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। हम सभी लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे ध्यान से किलकित कुंडल धारा मापी। इसमें इसमें ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये दो चुंबक बनाए हैं मैंने, दिखाई दे रहे हैं सभी को। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव, दूसरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, है ना। क्लियर? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो हैं, घोड़े के नाल की आकृति के कांटे हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं इसे? घोड़े की नाल ऐसी होती है। क्लियर? तो ये घोड़े की नाल की आकृति के कांटे हैं, या कुछ लोग इसे बोलते हैं अवतल आकार कांटे हैं। उत्तल अवतल पढ़े होंगे ना आपने, तो ये अवतल आकार कांटे हैं। तो
पूछ सकता है वो कि यहाँ पर ये चुंबक के ये जो दो ध्रुव होते हैं इन्हें घोड़े के नाल की आकृति का ये अवतलाकार क्यों काटा जाता है। क्लियर, इन्हें अवतलाकार क्यों काटा जाता है। तो भैया हमें मालूम है चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। बोलो भैया, तो चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ऐसे गई तो फिर ये कहानी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो आप गौर से देखिए जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं त्रिज्या के रूप में मुड़ती जा रही हैं और सारा की सारा चुंबकीय क्षेत्र बीच में इकट्ठा होता जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये वृत्ताकार आकृति हो और ये चुंबकीय बल रेखाएं सब की सब त्रिज्यी हो गई हों, त्रिज्या के रूप में हो गई हों। बोलो भैया, तो अवतलाकार काटने से क्या होता है, बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है और बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो कुंडली हम लोग रखेंगे वो आयताकार कुंडली तेजी से घूमती है। कैसे घूमेगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुव अवतलाकार काटे जाते हैं, तो अवतलाकार क्यों काटे जा रहे हैं बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत? तो यहाँ चुंबक के दो ध्रुव अवतलाकार क्यों काटे, क्लियर हुआ आपको? क्योंकि अवतलाकार काटने से चुंबकीय बल रेखाएं त्रिज्यी हो जाती हैं जिससे इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। कहानी समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो किसी ने पूछ लिया यहाँ पर ये दो ध्रुव हमने काटे हैं ये घोड़े के नाल की आकृति के क्यों काटे हैं या अवतल बेलनाकार क्यों काटे हैं, तो आप जवाब दे देंगे क्यों काटे हैं, क्योंकि ऐसा करने से चुंबकीय बल रेखाएं त्रिज्यी हो जाती हैं और बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, गोदरेज की अलमारी होती है, इस गोदरेज की अलमारी को अगर आपको घर में रखना है और सतह अगर समतल नहीं है तो अलमारी हिलती डुलती रहती है। मानते हो इस बात को, ऐसा होता है? फिर आप एक तरफ गिट्टी फंसा देते हो, गत्ता फंसा देते हो और उसे बैलेंस कर लेते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल समतल बना लेते हो उस जगह को, बिल्कुल। बोलो, होता है ऐसा? ओके, अच्छी बात है। इसी प्रकार किसी भी यंत्र को किसी सतह पर रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सतह बिल्कुल समतल होनी चाहिए, लेकिन अगर वो यंत्र थोड़ा बहुत हिलडुल रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे पेच लगा देते हैं। इनको बोलते हैं समतलकारी पेच। क्या बोलते हैं? इसका काम ये है कि अगर कहीं से हिलडुल रहा है तो हम उस पेच को वहाँ से ढीला या कर्रा कर लेंगे तो उस हिसाब से चीज़ सेट हो जाएगी। फ्रिजों में आपने देखा होगा आजकल फ्रिजों में नीचे चार नटबोल्ट लगे रहते हैं, तो वो कुछ और नहीं है, समतलकारी पेच है जिसकी सहायता से इसको समतल किया जाता है। समतल करने का मतलब प्रॉपर बैलेंसिंग पोजीशन बनाना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समतलकारी पेच वर्ड का इस्तेमाल अगर मैं करूँगा तो भाषा समझ में आ गई विपुल तो है कि नहीं आ गई? क्लियर है? ओके, अच्छी बात है। तो समतलकारी पेच क्या होते हैं, क्लियर हुआ आप सभी को? अच्छी बात है। कोई भी यंत्र होता है तो उस पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। अभी भी हमारे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, क्लियर? इस चीज़ को हम लोग जज नहीं कर पाते, लेकिन हमारे चारों तरफ अभी भी चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ना पड़े तो हम उसे क्या कर देते हैं, एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स के अंदर बंद करके रख देते हैं जिससे उस पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बात बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर मैं अगली बात बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये कपड़ा देख रहे हैं आप, ये कपड़ा है, क्लियर? मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, घुमाया मैंने इसको, तो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, बलयोगमागुण लगा रहा हूँ, एक बल इधर की तरफ दूसरा इधर की तरफ। इस बलयोगमागुण के लगाने से ये जो कपड़ा है वो इठ रहा है ना? हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्लियर? अब अगर मैं इस पर बलयोगमागुण लगा रहा हूँ, क्लियर, तो ये तो हो गई क्रिया। इसके बदले में इस कपड़े के अंदर प्रतिक्रिया पैदा हो रही है, यानी ऐठन आगुण पैदा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं ये बलयोगमागुण हटा लूँगा तो कपड़ा वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। बोलो भैया, तो क्या कर रहा हूँ मैं, बलयोगमागुण जब मैं लगा रहा हूँ तो ये जो ऐठन आगुण है वो उस बलयोगमागुण का क्या करने की कोशिश करेगा, विरोध करने की कोशिश करेगा। बोलो भैया, क्योंकि देखो आप, जैसे ही मैंने बलयोगमागुण हटा लिया वो वापस अपनी पूर्वावस्था में आ गया। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैंने बलयोगमागुण लगाया और हटाया तो वो वापस अपनी पूर्वावस्था में आ गया। बात समझ में आ रही है? तो जो ऐठन आगुण लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, इसे वापस अपनी पूर्वावस्था में लाने की कोशिश कर रहा है।
अच्छी बात है, मैं बलयुग में अवगुण लगाता जा रहा हूँ तो इसके अंदर ऐंठन अवगुण पैदा होता जाएगा, और ज़्यादा बलयुग में अवगुण लगाया ऐंठन अवगुण और ज़्यादा पैदा होगा। लेकिन साला एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैं बलयुग में अवगुण लगाने की कोशिश तो करूँगा पर ये कपड़ा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, है ना, इसका घूमना बंद हो जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति होगी, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, जितना बलयुग में अवगुण मैं घुमाने के लिए लगा रहा हूँगा ऐंठन अवगुण उतनी ताकत में इसका विरोध कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसका और घूमना बंद हो जाएगा। यानी इसका घूमना तब बंद होगा जब मेरे द्वारा लगाया गया बलयुग में अवगुण बराबर हो जाएगा ऐंठन अवगुण के। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहाँ पर इसका और घूमना बंद हो जाएगा। जो बोला समझ में आया, क्लियर है सभी को? अच्छी बात है, ठीक है। आगे की बात, वो बात मैं बता रहा हूँ, सुन लो आप, ये चीज़ आएगी आगे आने वाले चैप्टरों में, है ना, पर यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है तो ध्यान से सुनिएगा। जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, यानी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कभी बढ़ रही हो कभी घट रही हो, है ना, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो उस धातु के टुकड़े के अंदर भंवर धाराएं पैदा हो जाती हैं। क्या पैदा हो जाती हैं? भंवर धाराएं पैदा हो जाती हैं, और वो उस धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं, और जब उसकी गति का विरोध होगा तो वो क्या होगा, जो चीज़ घूम रही होगी वो घूमती हुई चीज़ बंद हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। कहानी समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ? क्लियर। तो आते हैं फिर हम लोग, देखते हैं चल कुंडल धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निलंबित कुंडल धारा मापी, एक होता है किलकित कुंडल धारा मापी। अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक जैसे ही है, मिलते जुलते हैं, है ना। सबसे पहले मैं निलंबित नहीं करा रहा हूँ, सबसे पहले मैं किलकित करा रहा हूँ और फिर मैं निलंबित समझाऊंगा, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तैयार है हम लोग? हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ये मैंने घोड़े के नाल की आकृति के ध्रुव काटे, समझना मेरी बात को, और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं? त्रिज्यीय हैं, समझना। मान के चलो ये चुंबकीय बल रेखा है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, ध्यान देना। अब मैंने यहाँ पर कोई आयताकार चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो गया इसमें ऐसे, अब मैंने आयताकार कुंडली ऐसे रख दी, तो मुझे बता सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि जब ये ऐसे रखिए तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही तो होगा। बोलो भैया, क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही तो होगा इसका, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया, क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो गया, कितने डिग्री का कोण हो गया? अच्छा, मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और कुंडली ऐसे रखी है, तो भी 90। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, कुंडली ऐसे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, कुंडली ऐसे रखी है, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है तो ऐसी स्थिति में मैं कुंडली को किसी भी स्थिति में रखूं, कौन हमेशा कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। जो बात आपको बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रही है भैया? क्लियर। 90 डिग्री का ही कौन आएगा, हमेशा आएगा या नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम समझते हैं किलकित कुंडल धारा मापी होता क्या है, गौर से देखेंगे सब लोग। किलकित कुंडल धारा मापी की अगर बात की जाए तो इसमें दो घोड़े के नाल की आकृति के चुंबक होते हैं। ये मैंने घोड़े के नाल की आकृति के दो चुंबक बना दिए, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, सीन क्लियर है? ओके। इसकी सहायता से क्या होता है, अति उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र दोनों ध्रुवों के बीच में पैदा किया जाता है, सीन क्लियर। यहां पर मैंने ये जो है इसको बोलते हैं पटलित नरम लोहे की क्रोड, क्या है ये, चैप्टर पढ़ाऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वहां पर हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर फिर भी समझ लें ये पटलित नरम लोहे की क्रोड का मतलब क्या होता है। पतली पतली नरम लोहे की पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां। ट्रांसफार्मर किसी ने देखा हो तो उसे पता होगा, पतली पतली नरम लोहे की पत्तियां होती हैं, पत्ती के ऊपर पत्ती, फिर ऊपर पत्ती, फिर ऊपर पत्ती, ऐसे करके बना देते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पटलित नरम लोहे की क्रोड, समझ गए। इनके बीच में पेंट वार्निश या ऑयल लगाकर पूरा बना देते हैं, ये इस टाइप का यंत्र होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लियर।
आप लोग अगर इसे पीछे से देख रहे होंगे वहाँ से, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये पूरा एक सिंगल लोहे का टुकड़ा है, लेकिन जो लोग पास हैं ये चीज़ें बहुत मतलब पतली पतली पत्तियाँ हैं, पत्ती के ऊपर पत्ती लगाई गई हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पटलित नरम लोहे की क्रोड। सीन क्लियर है? तो पटलित नरम लोहे की क्रोड ये वर्ड अब आपके सामने बार बार आएगा, है ना। तो समझ जाना पटलित नरम लोहे की क्रोड का मतलब होता है पतली पतली लोहे की पत्तियाँ हैं, पत्तियों पर पत्ती, पत्तियों पर पत्ती, और बीच में पेंट और वार्निश का लेयर लगा देते हैं। क्लियर? अब ये सब काम क्यों करते हैं वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। क्लियर? तो पटलित नरम लोहे की क्रोड का मतलब क्या होता है, बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर हमने लगा दिए एक एल्यूमिनियम की फ्रेम। क्या लगा दिए? एल्यूमिनियम की फ्रेम। ये हमारी लिखूं यहाँ पर, अब समझ जाओगे, पटलित नरम लोहे की क्रोड बोलते हैं इसे, है ना। ये काहे की फ्रेम है? एल्यूमिनियम फ्रेम है, और एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर मैंने लपेट दिया है तांबे का तार। सीन क्लियर है भैया? ओके। ये हमारी जो बन गई है आयताकार कुंडली बन गई। आपको याद है कल आपने जो सीन पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलियोगमाघूर्ण हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, जिसका सूत्र आपका आया था टाऊ बराबर NIAB साइन थीटा। इसके आगे का सीन ये वाला है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कायते पैदा कर रहे हो, ये चुंबकीय क्षेत्र इन चुंबकीय ध्रुवों से ही पैदा हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये नज़ारा है, ये समझो बात को। क्लियर? और ये जो आयताकार कुंडली है वो जे रही जे जे यती जे। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? अच्छी बात है। तो ये आयताकार कुंडली रखिए। आयताकार कुंडली कैसे बनी, समझ में आ रही है बात? पटले नरम लोहे की क्रोड, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फ्रेम, और एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर तांबे का तार। सीन क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, और ये एक पेच लगा हुआ होता है। यहाँ पर इस पेच को नाम दे दिया T1, और यहाँ पर इस स्प्रिंग को किलकित कर दिया जाता है, इसे चूल बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पर इसको जड़ कर दिया जाता है, जिससे यहाँ से कोई चीज़ ना हिले ना डुले। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पर होती है हमारी। ये भी स्प्रिंग लगी हुई है, पेच T2, और यहाँ पर भी हमने इसे किलकित कर दिया। क्लियर? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर लगा हुआ होता है एक संकेतक। क्या लगा हुआ होता है? संकेतक। जैसे घड़ी में कांटे लगे रहते हैं, तो कांटे क्या है? संकेतक है, संकेत करते हैं कि भैया इतने बज गए। समझ में आ रही है बात? क्लियर है सभी को? और यहाँ पर एक वृत्तीय पैमाना लगा रहता है। ये पैमाना लगा हुआ है जिस पर लिखा रहता है 0, 5, 10, जितने भी एम्पियर का करंट बहना होता है, तो हमें पता चल जाता है इससे। यहाँ पर मैंने ये दो पिन लगा रखी हैं। क्या लगा रखी हैं ये दो पिन? इसको बोलते हैं स्टॉप पिन। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉप पिन। स्टॉप पिन का काम क्या है? स्टॉप पिन का काम ये है कि ये संकेतक को और आगे जाने से रोकना, यहाँ पर नीचे जाने से रोकना। इनके बीच में ये संकेतक घूमता रहता है। जो रामायण बोली, समझ में आ रही है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत इसमें? सबको बात समझ में आती है? अच्छी बात है। तो ये पूरा हमारा ये जो यंत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं किलकित कुंडल धारा मापी। क्या बोलते हैं? किलकित कुंडल धारा मापी, है ना। हो गया यहाँ तक सभी का? क्लियर? तो ये हमारा जो कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं किलकित कुंडल धारा मापी। अब इसमें नज़ारा क्या होता है, इसको समझें। कल हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग मुझसे बोलते थे, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र था, ऐसे अपन ने धारा प्रवाहित की थी, याद है आपको? ये दोनों समांतर हैं, इस पर कोई बल नहीं लगता, ऐसे आप बोलते थे। इन पे बल लगता था, इस पे बल किधर लग रहा था? ऐसे लग रहा था। इस पे बल इधर की तरफ लग रहा था, जो भी लग रहा था, दिशा आई थी कुछ ना कुछ, है ना। तो काय की वजह से आई थी ये दिशा? धारा की वजह से। धारा बहना जरूरी, तो ये जो पेच लगे हैं, ये सिरे, ये दो सिरे, यहाँ पर एक सिरे से धारा प्रवेश करती है इसमें, और यहाँ से होके बाहर निकल जाती है। कहानी समझ में आई? जैसे ही धारा यहाँ पर आई, तो धारा जब इस कुंडली में बहेगी, तो जाहिर सी बात है इस कुंडली पर बलियोगमाघूर्ण लगेगा। बलियोगमाघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टाऊ बराबर NIAB sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छी बात है। टाऊ बराबर NIAB sin थीटा, इस पर बलियोगमाघूर्ण लगेगा, और बलियोगमाघूर्ण लगेगा तो ये कुंडली क्या होगी? घूमेगी। अच्छा, चूंकि चुंबक के दोनों ध्रुव अवतलाकार मैंने काटे हैं, तो जाहिर सी बात है चुंबक के दोनों ध्रुव अवतलाकार कटे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो त्रिज्यी हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं त्रिज्यी हैं, तो हर स्थिति में यहाँ पर थीटा कोण का मान कितना होगा? 90। थीटा 90 हो जाएगा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो कुल मिला के कुंडली पर जो बलियोगमाघूर्ण लग रहा है वो कितना लग रहा है?
एनआईए भी, अधिकतम बल आघूर्ण कितना लग रहा है कुंडली पे, एनआईए भी। समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है। यानी आप लोगों के हिसाब से जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली घूमेगी, और कुंडली जब घूमेगी तो कुंडली के अंदर जो विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण। बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। अब विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण इसके अंदर पैदा हो गया क्योंकि कुंडली घूम रही है, कुंडली घूम रही है तो जाहिर सी बात है ये संकेतक भी कहीं ना कहीं घूम ही रहा होगा। बोलो, संकेतक इससे जुड़ा हुआ है, संकेतक भी इसमें घूम रहा है। अब अगर ये बात मुझे समझ में आ रही है तो भैया कुंडली के घूमने के साथ साथ ये भी तो घूम रहा होगा, ये जो तार है, और तार अगर घूम रहा होगा तो वहाँ में कहाँ पैदा है रही होगी, ऐठन। बोलो भैया, ऐठन पैदा हो रही होगी, और जब ऐठन पैदा होगी तो वो इस बलयुग्म आघूर्ण का क्या करेगी, विरोध करेगी, और जैसे ही विरोध करेगी तो जब विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण ऐठन आघूर्ण के बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुंडली का घूमना बंद हो जाएगा। जैसे ही कुंडली का घूमना बंद हो जाएगा वहीं पर ये संकेतक रुक जाएगा, और जहाँ पर भी ये संकेतक रुक जाएगा तो हमें रीडिंग मिल जाएगी, हमें पाठ्यांक मिल जाएगा कि भैया फलाने एम्पियर का धारा इसमें बह रही है। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो ये हमारा जो हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं किलकित कुंडल धारा मापी। क्लियर? इस धारा मापी पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव ना पड़े इसलिए हम लोग इसे अचुंबकीय पदार्थ के एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? क्यों बंद कर देते हैं? जिससे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, और इसको बैलेंस रखने के लिए, संतुलित करने के लिए यहाँ पर नीचे तीन समतलकारी पेच लगा देते हैं। कहानी समझ में आ रही है? चित्र में अगर आप ये बॉक्स वगैरह नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, मेन चित्र तो ये वाला है। कहानी क्लियर है? बाकी का आप नोट्स पढ़ोगे उसमें पूरी रामायण भाषा लिखी हुई है। सीन क्लियर? क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग किलकित कुंडल धारा मापी समझ गए? इसमें होता क्या है, किलकित कुंडल धारा मापी में कुंडली कब रुकती है, जब विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है ऐठन आघूर्ण के। विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र टाऊ बराबर है ना, ये भी क्लियर? साइन थीटा कहाँ चला गया, समझ में आती है बात आपको? ऐठन आघूर्ण होता है सूत्र सी फाई, हायर स्टडी करोगे तो वहाँ आपको बताया जाता है, यहाँ तो याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर? ऐठन आघूर्ण का सूत्र होता है सी फाई। पढ़ हम लोग धारा मापी रहे हैं, धारा मापी हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो हमें काय का मान निकालना होगा, धारा का, तो निकाल लो आई बराबर, आई बराबर होता है सी फाई अपॉन एन ए बी। कहानी समझ में आ रही है? यहाँ पर सी अपॉन एन ए बी जो है उसे हम लोग एक नियतांक मानते हैं। क्लियर? यहाँ पर के बराबर सी अपॉन एन ए बी, के एक नियतांक है, तो इस सूत्र को क्या लिख दूंगा, आई बराबर आप बताओ के फाई। कहानी समझ में आई? क्लियर? आई बराबर के फाई, के यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम लोग धारा मापी का दक्षांक या धारा मापी का दक्षता नियतांक या धारा मापी नियतांक कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? के यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम धारा मापी का नियतांक बोलते हैं या धारा मापी का दक्षांक बोलते हैं, बात एक ही है। क्लियर? आई बराबर के फाई, के को मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें ये मालूम है कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है, और अगर नियतांक हटाएंगे तो आई समानुपाती फाई। ये समीकरण इस बात को सिद्ध करता है कि चल कुंडल धारा मापी में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। क्लियर? पूछता है वो, सिद्ध करो कि चल कुंडल धारा मापी में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है, तो आपको यहाँ तक ये करना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको तीन सूत्र या दो सूत्र याद करने वाले हैं, एक तो आई बराबर के फाई और एक के बराबर सी अपॉन एन ए बी। सीन क्लियर है? पढ़ूँ आगे? तो ये होता है हमारा किलकित कुंडल धारा मापी। कौन सा धारा मापी हो गया हमारा, ये किलकित कुंडल धारा मापी। ठीक इसी प्रकार दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं निलंबित कुंडल धारा मापी। निलंबित कुंडल धारा मापी में क्या सीन है, गौर से देखें तो निलंबित कुंडल धारा मापी तो मैं दो मिनट बाद बताऊंगा, पहले आप लोग मुझे बताओ, जरा बताओगे, बताओ ये मैंने क्या बनाया है, कोई आवाज जैसी कहानी, चुंबक है, क्षेत्र चुंबक बोल दो, है ना, घोड़े के नाल की आकृति के या अवतल बेलनाकार चुंबक काटे हैं, क्यों काटे हैं, समझ में आती है बात? फिर वही कहानी, ये क्या है, पटलित नरम लोहे की करोड़, सही जा रहा हूँ मैं, ये क्या है, एल्यूमिनियम फ्रेम, ये क्या है, कॉपर वायर। समझ में आ रही है बात सभी को, पूरी ऐसा नहीं लग रहा, पूरा सिस्टम सेम है, बोलो
अच्छी बात है। यहां पर एक ये जो मैंने लगाया है, गौर से देखेंगे आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं लैंप। क्या बोलते हैं? लैंप। हाँ, लैंप स्केल व्यवस्था है। इसका काम क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। ये तार लगा हुआ होता है यहाँ पर, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का तार है। काय का तार है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज का तार है। इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं मरोड़ टोपी। क्या बोलते हैं? जिम देखिए, जिम जिम में तार वार कसे होते हैं तो ऊपर एक नट सा लगा रहता है जिसपे घूमता हुआ तार जाता है ना, उसी टाइप की ये मरोड़ टोपी है जिसपे ये यहाँ से तार घूमता हुआ, चाहे इस तरफ ले लो चाहे उस तरफ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिरा हो गया T1 इस टाइप का। कहानी समझ में आ रही है? इधर आ जाओ, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है और स्प्रिंग लगने के साथ साथ ये दूसरा सिरा इसका मैंने बना दिया T2। सिस्टम पूरा जो यहाँ का है वही यहाँ का है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सेम है बिल्कुल। धारा यहाँ से आई, कुंडली से गई, यहाँ से निकल गई। धारा जब यहाँ से गई तो जाहिर सी बात है कुंडली घूम गई। कुंडली घूम गई तो अब यहाँ पर क्या चाहिए अपने को? संकेतक। संकेतक को पैमाना तो नहीं दिख रहा ना, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लैंप स्केल व्यवस्था। क्या बोलते हैं? लैंप स्केल व्यवस्था। एक्चुअली यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण पर जब लैंप से प्रकाश डाला जाता है तो जैसे ही प्रकाश डालोगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, और जब लैंप ऑन हो जाएगा तो ऐसी जो स्केल और संकेतक होंगे वो सब इसके अंदर होंगे तो वो दिखाई देने लगेंगे। और कुंडली जब घूमेगी तो जाहिर सी बात है कुंडली घूमेगी तो जाहिर सी बात है विक्षेपक बल आघूर्ण लगेगा, तार घूमेगा तो ऐठन आघूर्ण लगेगा, जहाँ पर भी कुंडली रुक जाएगी तो लैंप स्केल व्यवस्था में हमें वो पाठ्यांक मिल जाएगा। यानी जो काम इसमें यहाँ लैंप स्केल व्यवस्था के अंदर हो रहे हैं वहाँ पर वो सारे काम इधर हो रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यानी इसमें और इसमें फ़र्क केवल इतने पोर्शन का है, बाकी की सारी चीज़ें सेम है। इसको भी अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स के अंदर बंद करते हैं, इसमें भी 3 पेच लगा देते हैं। कहानी समझ में आ रही है? जो डेरिवेशन इसके लिए है वही सेम डेरिवेशन इसके लिए है। अब इसके बाद इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का जो तार होता है काफ़ी डेलिकेट तार होता है, काफ़ी नाजुक तार होता है। तो क्या होता है, कुंडली जब घूमेगी तो जाहिर सी बात है ये तार भी घूमेगा, तो तार में ऐठन लगेंगे, ये तार में झटका लगेगा तो ये तार टूट सकता है। क्लियर? तो इसको टूटने से बचाने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए हमने ये वाला बना दिया। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? यानी निलंबित कुंडल धारामापी का सुधरा हुआ रूप किलकित कुंडल धारामापी है। पहले निलंबित आया फिर किलकित आया। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? कर पाएंगे हम लोग? बोलो भैया। संतुलन की स्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा था? विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण बराबर ऐठन आघूर्ण। ऐसी स्थिति में कुंडली का घूमना क्या हो गया था? रुक गया था। समझ में आ रही है बात? कुंडली के घूमने रुकने का कारण एक और भी है, वो बताऊंगा आपको समय आने पर। क्लियर? बात समझ में आई? सीन क्लियर है? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 सिरे हैं, यहाँ से धारा आई और यहाँ से निकल गई। धारा का काम क्या था? इस कुंडली को घुमा गई। कुंडली जब घूम गई तो कुंडली पर विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण लगा। कुंडली घूम रही है, संकेतक भी घूम रहा है। कुंडली के घूमने से तार में ऐठन पैदा हुई तो ऐठन आघूर्ण पैदा हो गया। संतुलन की स्थिति में जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कुंडली का घूमना रुक जाएगा। जहाँ पर भी ये रुक जाएगा वहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि कितना विक्षेप हुआ है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पर ये जो मैंने पूरा पढ़ा सूत्र, एक तो आई बराबर के फाई, एक के बराबर सी अपॉन एन ए बी, हमें याद रखना है। आई धारा आप जानते ही हो, फाई कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, के को क्या बोलते हैं? हाँ, के नियतांक है, जैसे धारामापी नियतांक या धारामापी का दक्षांक भी कहा जाता है। क्लियर? अब आते हैं इधर, के आप समझ गए, एन क्या है? फेरों की संख्या, पढ़ते आए स्टार्टिंग से कुंडली में फेरों की संख्या। ए क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल। क्लियर? बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सी को बोलते हैं हम लोग ऐठन दृढ़ता। क्या बोलते हैं? ऐठन दृढ़ता का जो भी मान होगा वो आपको देगा वहाँ पर। सीन क्लियर है? तो एक बार पढ़ लो, पहले किलकित कुंडल धारामापी पढ़ना, फिर निलंबित कुंडल धारामापी पढ़ना। निलंबित कुंडल धारामापी में इसके गुण और दोष दिए हुए। बोले भैया, इसका जो गुण है, गुण यह है कि 10^-8 एम्पियर तक की धारा को भी ये नाप सकता है। यानी ये बहुत ज़्यादा अत्यंत सुग्राही होते हैं। सुग्राही समझते हो? सुग्राही का मतलब क्या होता है? जैसे कुत्ते की नाक बहुत सुग्राही होती है, दूर से ही सूंघ लेता है। सो माने अच्छा, ग्राही माने ग्रहण करने वाला, किसी भी चीज़ को अच्छे से ग्रहण करने वाला जो होता है वो सुग्राही होता है। नहीं है बात?
आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है वो बढ़िया सुग्राही है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कुग्राही है। समझ में आ रही है बात? क्लियर। सुग्राहिता यानी अच्छे से ग्रहण करने वाला। ये जो धारा मापी होते हैं 10^-8 एम्पियर तक की धारा को नाप सकते हैं। अब 10^-8 एम्पियर का मतलब बहुत बड़ी धारा है या बहुत छोटी धारा है? बहुत छोटी, यानी कम से कम धारा भी अगर किसी जगह होगी तो आप उसे जज कर पाते हो, पता लगा पाते हो। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? तो इसका गुण क्या है कि 10^-8 एम्पियर तक की धारा को भी ये नाप सकता है। दोष में ये कह रहा है कि भैया इसका तार काफ़ी डेलिकेट होता है, झटके से टूट सकता है। दूसरा, इसको जब भी हम इस्तेमाल करना चाहते हो तो हमें इसे समंजित करना पड़ता है। समंजित करने का मतलब, समंजित हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है मतलब, मान के चलो कोई भी मशीनरी है आप उसे यूज़ कर रहे हो, मिक्सी है, मिक्सी को जब भी आप यूज़ कर रहे हो आपको ऊबड़ खाबड़ जगह पे धद्दोगे तो अगर यूज़ हो जाएगी, सामान डरक डरक के बाहर आओगे, बोलो भैया, तो हमें उसे पहले समंजित करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा बिल्कुल, तब बोलो भैया ये आप क्या कर रहे हो, नट बुल्टों से समंजित कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, जिससे वो बिल्कुल समतल हो जाए। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि इस यंत्र को इस्तेमाल करने से पूर्व समंजित करना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया अपना निलंबित कुंडल धारा मापी और किलकित कुंडल धारा मापी? बोलो भैया, आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं तथा इसे किस प्रकार बढ़ाना चाहिए? क्लियर। चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं तथा इसे किस प्रकार बढ़ाना चाहिए? तो गौर से देखते हैं हम सभी लोग। चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता आप लोग ही बताना, आप लोगों को ही बतानी पड़ेंगी काफ़ी सारी चीज़ें। क्लियर। चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता पूछ रहा है, तो भैया सुग्राहिता का सूत्र होता है, मैं आपको बता दूँ, S बराबर फाई अपॉन आई। इसे चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता भी कहते हैं या हम इसे चल कुंडल धारा मापी की धारा सुग्राहिता भी बोलते हैं, एक ही बात है। क्लियर। चाहे सुग्राहिता बोल दो चाहे धारा सुग्राहिता बोल दो, एक ही बात है। अब सुने भैया, चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता, सुग्राहिता को अक्षर S से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है सफाई, S = φ/I, सफाई याद हो जाएगा सूत्र। क्लियर। S = φ/I, इसकी परिभाषा हमें बनानी है। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए हम चीज़ों को 1-1-1 मान लिया करते हैं। I = अगर मैं 1 एम्पियर रख दूं तो S = φ/1, बोलो भैया, तो अपॉन में 1 लिखना जरूरी है क्या? केवल S = φ लिख दूं? S क्या है यहाँ पर? सुग्राहिता, चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता। फाई क्या है यहाँ पर? कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। फाई क्या है? कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। तो किसी ने पूछा चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? तो हम उसे बोलेंगे किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, चल कुंडल धारा मापी में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे चल कुंडल धारा मापी की, एक बार फिर से बोलो, किसी कुंडली में, किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। या फिर चल कुंडल धारा मापी में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। सीन क्लियर है? सुग्राहिता का सूत्र क्या आ गया हमारा? S = φ/I। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ जाऊँ? अच्छी बात है, तो गौर से देखिएगा आप लोग। परिभाषा तो हम लोग समझ गए। अब किसी ने मुझसे पूछा है चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो अवाल बढ़ा रहे हैं, गौर से देखो। φ/I = kφ, अवाल 2 मिनट पहले बढ़ा था I = kφ, और k = होता था C/NaV। फाई से तो फाई कट गया, 1/k की जगह C, C/NaV कहाँ पहुँच जाएगा?
कहानी समझ में आ रही है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना अभी के बराबर सी अपॉन एन ए वी। अब आप ही बता दो, चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता को बढ़ाना चाहता हूँ तो फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, समान पाति है इसलिए कुंडली का क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐंठन दृढ़ता, क्या क्या बढ़ानी पड़ेगी, हाँ फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या कम करना पड़ेगा, ऐंठन दृढ़ता, क्या बोलते हैं इसे, ये क्या करनी पड़ेगी, पढ़ लो फटाफट पूछूंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।